के लिए। मुंबई से नंदलाल हेमदेव जी अपनी बेटी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। इनकी बेटी ने इसी साल एक फ्लैट बुक किया है और उसके लिए होम लोन लिया है। बिल्डर से जो अग्रीमेंट बना है उसके तहत फ्लैट के पोजेशन के दौरान होम लोन पर दिए गए ब्याज की रकम लौटाई जाएगी। अच्छा, इन्होंने यानी सबवेंशन स्कीम के जरिए फ्लैट लिया है, तो इनका सवाल ये है यहाँ पर कि इस रिफंड को कैसे देखा जाएगा, इस पर टैक्स की देनदारी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। बलवंत जी, देखिए प्रियंका, ऐसा है कि कायदा है ना, हर एक सिचुएशन को विजुलाइज नहीं कर सकता। तो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी सिचुएशन का मतलब कोई प्रोविजन नहीं है, परंतु एक कॉमन सेंस करके चीज़ होती है। तो ये कॉमन सेंसिकल चीज़ है कि आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करने वाले हैं बैंक को, वो आपको बिल्डर है वो रिएम्बर्स करने वाला है। तो चूंकि कोई अगर कॉस्ट आपको रिएम्बर्स होती है तो आप इनकम टैक्स में क्लेम नहीं कर सकते। तो ये जैसे पोजेशन तक का जो इंटरेस्ट है, उस जिसे प्री ईएमआई इंटरेस्ट कहते हैं, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो नॉर्मली जैसे आपका पोजेशन तक जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, वो आप अगले 5 साल में वन फिफ्थ करके क्लेम कर सकते हैं। परंतु जैसे उनको पोजेशन तक का पूरा इंटरेस्ट बिल्डर रिफंड दे देगा, तो उनको कोई क्लेम नहीं करना है, मतलब क्लेम नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है।